हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वाति सिंह। जो हमारा अब तक का टॉपिक चल रहा था बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस, इससे पहले भी मैं 3 वीडियोस डाल चुकी हूँ इसके बारे में। उसके अंदर मैंने सबको डिस्कस कर चुकी हूँ थ्योरीज़ के बारे में। ये वाली थ्योरी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, त्री आयामी सिद्धांत यानी कि 3D और 3D थ्योरी। 3D थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, इससे पहले ये समझ लीजिए इसके दो नाम और हैं। तो टोटल इसके कितने नाम हो गए? फर्स्ट तो जो है 3D, हम शॉर्ट में बोल सकते हैं 3D थ्योरी यानी कि 3D थ्योरी, 3 आयामी सिद्धांत। जो इसका सेकंड नाम है वो है बुद्धि संरचना मॉडल यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल मॉडल। और उसके बाद इसको एक और नाम दिया गया है SI मॉडल। ठीक है, ये हमारे दी किसने है थ्योरी, इसके प्रतिपादक कौन है सिद्धांत के, वो हैं आपके JP गिलफोर्ड। आपके JP गिलफोर्ड। ठीक है, अब इसको 3D क्यों कहा गया था, क्योंकि इसके अंदर 3 पॉइंट्स जो की पॉइंट्स रखे थे उसके भी सब पॉइंट्स रखे थे, उसको इसीलिए कहा था कि ये 3D है। अब एक एक डायमेंशनल को हम समझ लेंगे। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट तो आप यही नोट कर लीजिए कि इसके नाम कितने हैं, 3 नाम है, तीनों लर्न कर लीजिए। बुद्धि संरचना मॉडल, आपका 3 आयामी सिद्धांत, SI मॉडल, और आपका ये JP गिलफोर्ड ने दिया है। ठीक है, इसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट रखा था वो था संक्रिया यानी कि ऑपरेशन, सेकेंड है विषय वस्तु यानी कि कंटेंट, और थर्ड है उत्पादन यानी कि प्रोडक्ट। अब इसको मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्क्राइब करके बता देती हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स को, की पॉइंट्स को कितने सब पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है और वो होते क्या है, जो उसके 3D हैं। 3D थ्योरी को जो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था यानी कि उसके 1-1 जो 3D थे 3D के, वो ये हैं। पहला है संक्रिया यानी कि ऑपरेशन, सेकेंड है विषय वस्तु यानी कि कंटेंट, थर्ड है उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। ठीक है, ये फर्स्ट डायमेंशन है इसकी, ये सेकंड डायमेंशन है और ये थर्ड डायमेंशन है। अब आपको इसके बारे में पढ़ना है, इसको समझना है कि ये सारी चीज़ें होती क्या है। अब संक्रिया यानी कि ऑपरेशन, ऑपरेशन के अंदर आपकी सारी कॉग्निटिव रिलेटेड चीज़ें रखी गई है यानी कि आपके माइंड और इंटेलिजेंस लेवल के अकॉर्डिंग क्या चीज़ कैसे होनी चाहिए, आप क्या क्या चीज़ें उसके अंदर सीख सकते हो और क्या क्या नहीं सीख सकते हो। संज्ञात्मक कौशल के अंदर आपको पता ही आपकी सारी चीज़ें क्या हैं, माइंड से रिलेटेड आएंगी और वो किस रूप में आएंगी वो चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट होती है इसमें संज्ञान यानी कि कॉग्निगेशन, ठीक है, जो हमारा संक्रियान ऑपरेशन का है। फर्स्ट है कॉग्निगेशन यानी कि संज्ञान, इसके अंतर्गत ये चीज़ें ध्यान में रखी जाती है, ये चीज़ें बच्चे को पढ़ाई जाती है कि बच्चा टाइम आने पे किसी भी चीज़ को पुनः स्मरण यानी कि रिकॉल कैसे कर सकता है। अगर मैंने एक बच्चे को कोई चीज़ पढ़ा दी है, समझा दी है, तो टाइम आने पे उसे रिकॉल भी होना चाहिए, उसे पता होनी चाहिए ये चीज़ जो मैंने पढ़ी थी वो किस टाइम पे यूज़ के लिए पढ़ी थी। अगर उसको यही नहीं पता होगा कि कहाँ पे यूज़ करनी है तो उसके लिए वो कॉन्सेप्ट यूजलेस है, उसके लिए कुछ समझ ही नहीं आएगा उसमें। अगर मैंने फॉर एग्जांपल उसको सनसेट के बारे में पढ़ाया है, सन साइन के बारे में पढ़ाया, उसका कुछ प्रॉब्लम्स बताई हैं या कि कोई थ्योरीज बताई है एक्सेट्रा, मतलब कुछ भी मैंने उसके बारे में डिस्कस किया है, तो बच्चे को पहले तो वो चीज़ पता होनी चाहिए कि वो चीज़ होती क्या है और मुझे कहाँ पे यूज़ करनी है। अगर मैंने किसी कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चे को पढ़ाया है, प्लस माइनस डिवाइड या बोर्ड मास या फैक्टर्स कुछ भी पढ़ाया है, तो बच्चे को एग्ज़ाम में जब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे तो उसको रिकॉल करने में हेल्पफुल हो कि यहाँ पे अब उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, उस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। अगर उस टाइम पे बच्चे को याद ही नहीं आएगा कि इस टाइम पे उस चीज़ को उसे रिकॉल करके अप्लाई करना है तो वो उसके लिए यूजलेस है। तो इसीलिए पुनः स्मरण यानी कि रिकॉल जब करना होता है उसको अपने कॉग्निशिव यानी कि संज्ञानात्मक विकास के अंदर रखा जाता है, जो हमारे फर्स्ट ऑपरेशन के अंदर है। उसके बाद आता है स्मृति, स्मृति यानी कि मेमोरी, इसके अंदर बच्चे की मेमोरी से रिलेटेड बात की गई है
कि बच्चे को वो चीज़ें रखी जाए ध्यान में कि उसकी मेमोरी के अंदर फिट हो जाए, उसके ज्ञान के अंदर यानी कि उसकी स्मृति के अंदर फिट हो जाए, ताकि वो टाइम आने पे उसका ठीक से यूज़ कर सके। अब देखिए, फर्स्ट जो आपको मैं समझा रही हूँ ना ऑपरेशन से रिलेटेड, उसके अंदर सारे आपके माइंड की ही चीज़ें आएंगी, जो सारे जो सारे डेवलपमेंट्स होंगे, जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके सब पॉइंट्स हैं, वो सारे किससे रिलेटेड होंगे, ताकि आप रिकॉल कर सकें, मेमोरी में हो आपकी, और भी थिंकिंग कर सकें, आपके खुद के थॉट्स हो, उनको आप कहीं पे रिप्रेजेंट कर सकें। उसके बाद आता है इसके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग को हिंदी में बोलते हैं अपसारी चिंतन। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? डाइवर्जेंट थिंकिंग वो थॉट्स होती है हमारी, वो थिंकिंग होती है जब कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति किसी एक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप से सोचता है, मतलब बहुत सारी थॉट्स उसके माइंड में आती हैं। अगर मुझे कंप्यूटर चलाना है और मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, मैं बिल्कुल फ्रेश माइंडेड हूँ, मुझे कंप्यूटर का ABCD कुछ भी नहीं पता, उसको ऑन करना भी नहीं आता, तो मेरे सामने अगर एकदम से कंप्यूटर रख दिया जाए तो मेरे माइंड में क्या होगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग के अकॉर्डिंग बहुत सारे थॉट्स आएंगे कि किसको इसको कैसे कैसे ऑन किया जा सकता है। या तो मैं सोचूंगी फर्स्ट कि प्लग लगाया जाए, बटन ऑन किया जाए, देन ये ऑन होगा, या फिर इसके अंदर जो बटन्स अवेलेबल है उनसे मैं इसको ऑन कर सकती हूँ। तो एक ही कॉन्सेप्ट या एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें आ जाती हैं, थॉट्स आ जाती हैं माइंड में, हम अलग अलग चीज़ों से सोचने लगते हैं किसी चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए, वो होती है हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग, मतलब हम बहुत तरीक़ों से सोचते हैं, ठीक है। और लेकिन जब अगर हम एक ही कॉन्सेप्ट से सीखें या एक ही तरीके से सीखें, अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है और आपका कोई टीचर है जो आपको कंप्यूटर सिखा रहा है या उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहा है, तो वो फर्स्टली आपके सामने रिप्रेजेंट करके बता देगा कि प्लग ऑन करना है, देन आपको ये वाला बटन प्रेस करना है, आपका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। तो वहाँ पर आपको अपनी डाइवर्जेंट थिंकिंग इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप पहले ही उस चीज़ के बारे में जानते हैं कि आपको कैसे कंप्यूटर ऑन करना है। तो वहाँ पे आपकी सिर्फ, जब भी आप नेक्स्ट टाइम कंप्यूटर के सामने बैठेंगे, डायरेक्ट वही बटन ऑन करके अपना कंप्यूटर ऑन कर लेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं, इसका सेकेंड पॉइंट है अभिसारी चिंतन, यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन के अंदर आपको कितना, मतलब डिफरेंट वेज में सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, सिर्फ आप एक ही चीज़ सोचेंगे कि ये चीज़ ऐसे रिजॉल्व हो सकती है, तो बात ख़त्म, ऐसे ही रिजॉल्व होगी। उसके लिए आपको बाकी थॉट्स आने की माइंड में कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये क्या हो गया, अपसारी हो गया सिर्फ एक ही थॉट डेवलप करना, और अपसारी हो गया डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर जब आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद आता है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। इसके अंदर क्या होता है, इवैल्यूएशन में जब बच्चा किसी भी प्रॉब्लम को अपनी सॉल्व करता है, तो लास्ट में वो जाके क्या चीज़ देखता है कि उसके द्वारा वो चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। लास्ट में खुद का इवैल्यूएशन करता है कि मैंने इस चीज़ में, इस फील्ड में अच्छा किया या बुरा किया। अब जैसे अगर मैंने किसी बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट दिया है लर्न करने के लिए, अगर मैंने 2 की टेबल बच्चे को लर्न करने के लिए दी है, तो उसके अंदर बच्चा क्या करेगा, फर्स्टली तो टेबल लर्न करके आएगा, सेकेंड टाइम जब मैं क्लास में पूछूंगी कि आपने 2 की टेबल लर्न की या नहीं की, या वो मुझे आंसर करेगा, तो मुझे पता चलेगा, मैं उसका इवैल्यूएशन करूंगी कि उसने ठीक लर्न की है, गलत की है, या वहाँ पे कोई उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और बाद में वो खुद का भी इवैल्यूएशन करेगा कि अगर मैंने यहाँ पे, उसने मान लीजिए 2 के टेबल में 2, 4, 6, 8 ऐसे सुनाते हुए मुझे ये वाला पॉइंट स्किप कर दिया,
टू के बाद फोर, फोर के बाद डायरेक्ट उसने एट बोल दिया, टेन बोल दिया, ये सिक्स को स्किप कर दिया है, तो बच्चे को पता चल जाएगा कि मैंने वहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ किया। तो उसने सेल्फ इवेल्युएशन भी किया है बच्चे ने अपना, कि वहाँ पे कहाँ उसको प्रॉब्लम आई, देन वो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा कि उसको ठीक से दोबारा लर्न करेगा, लिख कर देखेगा, फिर उसको किसी अपने फैमिली मेम्बर्स में से किसी को भी सुनाएगा, देन वो क्लास में आके प्रेजेंट करेगा। तो वहाँ पे क्या है, इवैल्यूएशन करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी चीज़ को इवैल्यूएट ही नहीं करेंगे तो हमें खुद को नहीं पता चलेगा कि वो चीज़ कितनी सही और कितनी गलत है, या फिर उसमें कितने एरर्स हैं जो हमें उसको ठीक करने के लिए चाहिए टाइम। इसमें हमारा सेकंड पॉइंट आता है विषय वस्तु यानी कि कंटेंट। किसी भी सामग्री या सूचनाओं के लिए जब भी हम कुछ काम करते हैं, यानी कि हमारी बौद्धिक क्रियाएं क्या हैं, उसके रूप में इसको समझना है कि हमारे पास जो विषय वस्तु है, कंटेंट है, कोई सामग्री हमारे पास प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम जो भी बौद्धिक क्रियाएँ करेंगे ना, उसको समझते हुए उसके उसको कैसे प्रेजेंट करना है। तो इसके की पॉइंट्स हैं, पहला आकृतियात्मक, यानी कि इसके अंदर आपको फिगर्स के अंदर हम आकृतियों का चिंतन करते हैं। जैसे कोई फिगर हमें दे दी गई है तो हमें पता होना चाहिए कि ये वाली फिगर किस चीज़ की है, क्या, अगर जैसे बच्चों के लिए मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, इस तरह से बच्चों को इसके अंदर डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। बच्चों को पता होना चाहिए कौन सी फिगर रेक्टेंगल है, कौन सा स्क्वायर है, कौन सा सर्कल है, ये सारे कॉन्सेप्ट जो बच्चों के कंटेंट से रिलेटेड यानी कि सामग्री से रिलेटेड वो जब अलग करते हैं उसकी करेक्टरिस्टिक्स के थ्रू, उसको जानते हुए, उसकी फिगर को पॉइंट आउट करते हुए, तो सबसे पहले वाले पॉइंट में हमारा आकृतियात्मक यानी कि फिगरल में यही आता है कि बच्चे को आकृति के अनुसार हर चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ अलग है और कौन सी सेम है, ताकि वो उनको डिफरेंशिएट कर सके। सेकंड आता है इसके अंदर प्रतीकात्मक, मीन्स सिंबॉलिक। अब सिंबॉलिक्स में क्या आ गया कि सिंबल्स बच्चे को पता होने चाहिए, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे कॉन्सेप्ट्स बच्चे को पता होने चाहिए इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो बच्चा सीख सकता है कंटेंट के अंदर। कंटेंट के हम बच्चे को प्रतीकात्मक थ्रू में, सिंबॉलिक में ये चीज़ बता सकते हैं कि कौन सा मल्टीप्लाई है, कौन सा डिवाइड है, सारे सिंबल्स पता होने चाहिए जिससे वो उसको अलग अलग कॉन्सेप्ट्स में यूज़ कर सके। इसके बाद आता है थर्ड हमारा शब्दार्थमक, सॉरी मीन्स ये आ गया सेमेंटिक। इसके अंदर क्या आता है कि इसमें बच्चों को अपने शब्दों को अर्थ में कन्वर्ट करना आना चाहिए। सब बच्चों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए किस शब्द का क्या मतलब है, उन शब्दों को विचारों में और वाक्यों में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर मेरे बच्चे के सामने किसी के भी कोई शब्द बोल दूँ, अगर बच्चे को पता ही नहीं है कि वो शब्द होता क्या है, तो बच्चा उसका मीनिंग भी नहीं निकाल पाएगा कि वो हमें कहना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि अगर बच्चे को किसी शब्द का अर्थ पता है तभी तो वो पता लगा पाएगा कि वो कहना क्या चाह रहा है, किसी के दूसरे के विचारों का बोध कर पाएगा। उसके बाद इसमें लास्ट पॉइंट आता है हमारा व्यवहारात्मक यानी कि बिहेवियर। इसके अंदर बच्चे को इस तरह की शिक्षा देनी चाहिए ताकि वो व्यवहार करते हुए अपने समाज में एडजस्ट कर सके, बाकियों को सपोर्ट कर सके, बाकियों को हेल्प कर सके। ये वाले पॉइंट्स मैंने पहले डिस्कस कर लिए हैं आपसे, अभी इसीलिए देख लीजिए। इसमें कंटेंट के अंदर क्रियात्मक, आकृतियात्मक यानी कि फिगरल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि बच्चे किसी भी चित्र को पहचान सके। प्रतीकात्मक यानी कि सिंबॉलिक यानी कि सिंबल्स को पहचान सके सभी। शब्दार्थमक, किसी भी शब्द का अर्थ ग्रहण कर सके, उसको प्रेजेंट कर सके अपने शब्दिक रूप में। उसके बाद आता है व्यवहारात्मक यानी कि बिहेवियरिज्म में,
क्या है, बच्चा अपने व्यवहार को प्रकट कर सके, किसी के साथ भी समायोजन करते हुए अपनी इंटेलिजेंस दिखाते हुए अपने जो समाज के अंदर बाकी क्रियाएं हो रही हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे हम छोटे मोटे फंक्शंस रखते रहते हैं, ऑर्गेनाइज करते रहते हैं अपने समाज के अंदर, तो उनके अंदर क्या है, बच्चा भी खुद पार्ट करे। अब लास्ट आता है हमारा उत्पादन व प्रोडक्ट। इसके अंदर फर्स्ट आता है इकाई, यानी कि यूनिट। इसके अंदर क्या बोला है यूनिट में, कि यूनिट में बच्चे का दृश्य श्रव्य या प्रतीकात्मक इकाइयों तथा साथ ही शब्दों के अर्थ के ज्ञान को समझना। जब बच्चा एज अ प्रोडक्ट होता है तो बच्चे के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि सारी चीज़ों को वो समझते हुए चले, क्या है वो देखने वाली चीज़ें हों, सुनने वाली चीज़ें हों, कुछ मेज़र करने वाली चीज़ें हों, या उसके खुद के द्वारा उसको प्रेजेंट करने वाली चीज़ें हों, वो हमारी इकाई के अंदर रखी जाती है। सेकेंड पॉइंट आता है संबंध। रिलेशन, इसके अंदर बाकी सभी चीज़ों का जो रिलेशन है, विचार का, शब्दों का, वस्तुओं का, सभी को एक दूसरे से को रिलेट करते हुए आगे बढ़े। ये नहीं कि उसने एक शब्द बोल दिया, मान लीजिए छोटे छोटे वर्ण होते हैं, अब वर्णों के द्वारा ही तो ये वाला शब्द पूरा बनकर आया है। अगर मुझे स लिखना नहीं आएगा तो मैं ये वाक्य, ये जो शब्द बना है वो नहीं बना पाऊंगी। अगर मेरे को स भी नहीं पता होगा, का भी नहीं पता होगा, या भी नहीं पता होगा, ये क्या है, अलग अलग वर्ण हैं। अगर इन वर्णों का जोड़ से ये पूरा एक शब्द बना है, संक्रिया। ओके, तो ऐसे ही बच्चे को संबंध के अंदर एक दूसरे से रिलेशन करना आना चाहिए कि किसी वर्ण को या किसी शब्द को किस रूप में जोड़कर आगे चलना है। उसके बाद आता है सिस्टम, यानी कि संगठन। इसमें आता है विचारों, शब्दों तथा वस्तुओं के बारे में एक संगठित रूप तैयार करना। अगर आपके विचार हैं, आपके शब्द हैं, आप उनको संगठित करते हुए अपनी बात कहोगे। अगर मैं कोई बात या कोई वाक्य बना रही हूँ कि कल मैं जाऊँगी, तो मुझे कल का अर्थ भी पता है, मैं का अर्थ भी पता है, जाऊँगी का अर्थ भी पता है। इन शब्दों को कोरिलेट करके ही मैंने एक पूरा वाक्य बनाया है कि कल मैं जाऊँगी। तो इसी हिसाब से आपको किसी भी शब्द या वर्ण या वाक्य या भी आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, कंटेक्ट पढ़ रहे हैं, उसका संगठन करना आना चाहिए, उसको एक सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए कि ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं आपको, ताकि उसका पूर्ण रूप से अर्थ पता चले। अगर मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं कि मैं कल जाऊंगी, ये मेरा वाक्य है, ये सही है, इसकी सेंस भी ठीक बन रही है कि मैं कल जाऊंगी, लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, मैं जाऊंगी कल, यहाँ पे क्या होगा, सेंस तो ठीक बनी लेकिन वाक्य एप्रोप्रिएट नहीं रहा। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी शब्द को आपको संगठन करना आना चाहिए कि किस वे में आपको कब कहाँ पे क्या चीज़ ऑर्गेनाइज करनी है। उसके बाद आता है आपका परिवर्तन। परिवर्तन एक तरह से चेंज या फिर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको रूपांतरण बोलते हैं। किसी संख्या, वस्तु या संप्रत्यय का स्थान परिवर्तन करना। अब इसमें क्या आता है, जैसे बोर्ड मास है, मैंने एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले, बोर्ड मास में क्या होता है, आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का कॉन्सेप्ट सीखते हैं, लेकिन जब हम बोर्ड मास यूज़ करते हैं, बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो उसके अंदर हमें सिखाई जाती है कि बी फोर ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन या सबसेक्शन, ये चीज़ होती है कि हमें बोर्ड मास के अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड इस रूप में हल करना है। कि आप कोई भी बोर्ड मास का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, देन डिवाइड करना है, देन मल्टीप्लाई करना है, फिर आप ऐड करेंगे, फिर आप सब्सट्रैक्शन करेंगे। लेकिन अगर आपने कोई भी कॉन्सेप्ट मिस कर दिया इसके अंदर, आपने ऐड नहीं किया, डायरेक्ट मल्टी वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वहाँ पर भी आपकी वो चीज़ें गलत हो जाएंगी। तो इसीलिए क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन में
यानी कि आपको किसी भी चीज का जहाँ पे परिवर्तन करना है किसी भी रूप में, तो वो आप करना सीख सके कि इनका परिवर्तन आपने बोर्ड मास में कर दिया। उसके बाद आता है आशय या निहितार्थ, यहाँ पे समझ लीजिए इसको आशय मतलब इम्प्लीकेशन। इसके अंदर क्या आता है, प्रत्यक्षाओं को आगे बढ़ाने की तथा वर्तमान जानकारी को भविष्य तक बढ़ाने की योग्यता। इस पॉइंट के थ्रू इम्प्लीकेशंस के थ्रू क्या किया जाता है कि बच्चे के फ्यूचर तक के लिए जो चीज़ यूजफुल है उसको ऐसे फॉर्मेट में या ऐसे कंटेंट के द्वारा प्रेजेंट की जाती है जिससे बच्चा उसको अच्छे से अचीव कर सके और अपने फ्यूचर के लिए सेव कर सके, ताकि बच्चा भी क्या लास्ट में जाके उसको किसी भी कंडीशन में एप्लीकेबल कर सके। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमने ये पॉइंट्स पढ़े हैं ये किसके हैं, त्रियात्मक सिद्धांत यानी कि थ्री डायमेंशनल थ्योरी की, जो ये फर्स्ट डायमेंशन था, ये सेकंड एंड ये थर्ड डायमेंशन था। इसके ये की पॉइंट्स हैं, मैं आपको, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी, क्योंकि इसमें कभी काफ़ी ज़्यादा ये हॉज पॉज हो गया, बिल्कुल दब गया चीज़ें, लेकिन आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके की पॉइंट्स में आपको सिर्फ ये बातें याद रखनी है कि फर्स्ट जो है संक्रिया यानी कि ऑपरेशन क्या है, हमारा पूरा माइंड से रिलेटेड है, उसमें आपको कॉग्निशन करना है पहले, फिर मेमोरी करनी है, फिर सोचना है डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग के द्वारा, फिर अपना इवैल्यूएशन भी करना है, और फिर आता है कंटेंट। कंटेंट के अंदर क्या चीज़ें रखी गई हैं, कंटेंट के अंदर आपको किसी भी चीज़ के जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं पहले फर्स्ट उसमें, उसके सेकंड में एक तरह से अप्लाई करना है, कि आपको सारी फिगर्स पता होनी चाहिए कि आप फिगरी जो भी आपके सामने आकृति प्रेजेंट हो, फिगर्स हो, आप उनको पहचान सके, इतने एबल हो आप, और फिर क्या आपको सारे सिंबॉलिक पता होने चाहिए, फिर आपको सभी शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए, कब कहाँ क्या यूज़ करना है, और उसको अपने व्यवहार में भी आप ढाल सके, अपने समाज में एडजस्ट कर सके। लास्ट में आता है उत्पादन यानी कि प्रोडक्ट। इसके अंदर इकाई, कोई भी यूनिट हो, आप कुछ प्लान कर रहे हैं कोई भी चीज़, तो वो एक यूनिट आपने रेडी की है, फिर उसका रिलेशन ढूंढना है कि कैसे करना है, सेकंड फिर उसको संगठन, थर्ड संगठन करना है, उसको एक सिस्टमेटिकली तरीके से करना है, लास्ट परिवर्तन, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं आप, उसका कहीं भी किसी भी दिशा में परिवर्तन करना आना चाहिए आपको। फिर आता है इम्प्लीकेशन कि आप उसको फ्यूचर के लिए कहीं पर भी अप्लाई कर सके। इसके साथ मेरी ये वाली थ्योरी कंप्लीट हो गई है, बाकी आपकी जितनी भी थ्योरीज इंटेलिजेंस से रिलेटेड रह गई हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। और मोर वीडियोस के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और KVS के PGT के लिए अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर्ड है और व्हाट्सएप नंबर है, तो आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।